शहर से कंचन गुरु की चेला पायल बहुत खुश होके जा रही है। तो जी ये है हमारा गांव मायके का और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये रहा हमारा घर, ये खड़े हैं पापा और ये जा रहे हैं पतिदेव। बस आगे मत जा, बाय, आराम से जाना। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं फाइनली चूल्हे पास नानी के ज़माने में। और ये रही हमारे बच्चों की नानी। तो ये जो है ना हमारे को ये जलाना पड़ा क्योंकि लाइट आज कट है सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक। तो सब्जी तो मैंने बना दी थी लेकिन चपातियाँ अभी मम्मी बना रहे हैं मेरे लिए, फिर मैं खाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो कैसा लग रहा है मम्मी, चूल्हे पे बनाए कभी फुलके? बहुत पहले बनाते थे जब छोटे छोटे थे हम, अभी कहाँ बनाया है ना। वैसे गैस वगैरह ने आदतें वो कर दी है ना, ये पूरा हेल्दी वो रहता था भाई। और गेहूं के आटे की रोटी और चूल्हे हैं, नहीं नहीं ये नहीं, वैसे ये तो है ना चक्की का, पहले अपना पिसा हुआ होता था और यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है ऊपर से सब कुछ। ये रही हमारी लावण्या, बनाते हैं चूल्हे पे रोटी। पसीने छूट गए आजकल रोटी चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी कैसी लग रही है मम्मी, और वो भी फूली फूली। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना मम्मी, याद है तब बनाते थे हमें ना सर्दियों में चूल्हे पे, जब पर मेरी हाँ पूरी सर्दी में मजा आ जाता था इसी के ऊपर, इस तंदूर के ऊपर। ये देखो और यहाँ पे लावण्या की रोटी मिल रही है छोटी जैसी, दिखाओ तो जरा, जैसे लावण्या है ना छोटी सी वैसी रोटी बन रही है। तो जी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है कितने बजे, 10:58 मतलब हो गया है 10:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। और उसके बाद एक नालायक बना रही है यहाँ पर मैगी, कोशिश कर रही है मैगी बनाने की। तो चूल्हे पे मैंने देखी मेरे को पता नहीं कब बनेगी, आज तो अच्छी लगी है। ये तो नीचे अब क्या करें, दिन के लिए बनाऊँ कुछ क्या? ये भी है अभी पुलाव बनाओ, पुलाव है ना, पुलाव बनाएंगे, मटर तो लाएंगे, पनीर है ना, लाइट नहीं आएगी ना। किन्नर है, किन्नर है बोलना, शादी थोड़ी आज थोड़ी होता है, बाहर आ गए हैं किन्नर। मैडम जी बाहर किन्नर आ गए, मैं सोच रही हूँ पापा को कौन मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो शादी। परमात्मा खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे। लाड़ी को बुला, लाड़ी का लाड़ा कहाँ होता है यहाँ, लाड़ी लाड़ी भी नहीं है, नहीं है साथ में, साथ में जॉब कर, नाती पोता होगा तो 50,000 रख लेना, वो होगा तब अभी हो जाएगा। हम तो खुद वेट में हैं, बस मैं दुआ दे के जा रही हूँ, बस ऐसी दुआ दे के जाऊँ कि जल्दी परमात्मा सुने, माता रानी आपके घर की खुशहाली दे, तो जल्दी जल्दी आ जल्दी आए हम लोग। और क्या, हमें तो यही खुशी है कि आपके परिवार में खुशियाँ आए तो हम लोग आए, रुको बेटा बहाना होता है हम लोगों का, नहीं तो पूरा गाँव पड़ा है किसके यहाँ जाएंगे, आपके घर में खुशी आए, नाती पोता दे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे
सच्चे बादशाह। लो दीदी ले आओ आप बताएं। लाइक भी करना, नाम तो बोलो। माय नेम इज पूजा राठी। अच्छा तो ठीक है, पूजा राठी आपका? मेरा नाम पायल। डांस तो आपने किया ही नहीं फिर। इधर तो दिखाओ। इधर को दिखा दिया मैंने। चलो इधर को दिखाओ। आई है पहाड़ों में घूमने। मैं बोल रही हूँ रामपुर बुशहर से, कंचन गुरु की चेला पायल। ठीक है अब दोनों खुश होके जा रही है। खुश होके जा रही है। बहुत खुश होके जा रही है। बहुत अच्छी बधाई दी है हम लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक। बाय बाय बाय। अब कल परसों देखना, मंडे को आएगी वीडियो। अब चले गए हैं ये चाचू के पास। इनको पता कौन बताता कौन है? अब चले गए चाचू। तो जी चले गए अब चाचू के पास। अब चाचू के पास जाकर देखो क्या होता है क्या नहीं। 21,000 एक पहले 51,000 मांग रहे थे, फिर 21,000 मांग रहे थे, और फिर बाद में इनको पता लगा कि अरे तुम्हें तो हम वीडियो में भी देखते हैं। तो सामने से देखने में थोड़ा वो रहता है ना, क्योंकि जब हम वीडियोस पे देखते हैं तो फेस ही ज़्यादा दिखता है और मोटे दिखते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे देखते हो सामने तो फिर बोल रहे थे कि उसमें तो थोड़ी हेल्दी सी लगती है। ले निकाल लें, गिराइयो मत। और सामने से देखने में कुछ और लग रही है। ये नीचे खेत में फेंक दो, ऐसा ही होता है ये तो। आज इनके साथ वो ढोलके वाले नहीं थे, नहीं तो ये डांस अच्छे से करते हैं। थोड़ा तो इन्होंने कर ही लिया। लो बाबा। तो जी टाइम हो चुका है 4:30 का, और मैं आ रही हूँ अभी सब्जी बनाकर। सुबह से लाइट नहीं थी जैसा मैंने आपको बताया, तो चूल्हे पे ही मैंने बनाई है अंधेरे में सब्जी। और अभी जो है मम्मी फिर से आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लगा रखे हैं, ये घर के नीचे ये लगा रखे हैं मम्मी ने आलू, और यहाँ से मम्मी ने सुबह खुदाई करके दे दिए थे, और अभी मम्मी फिर से खुदाई कर रहे हैं। सब्जी बना दी मैंने, बड़ी मुश्किल से बनाई यार। कभी आँच है कैसी होती है यहाँ। अच्छे साइज छोटा चूहे ने खा लिया। ये देखिए ये आलू कहाँ है? अरे परे तो छोटे छोटे ही है बहुत। खाली कहा ले जाता है चूहा बोटू दूर एक क्यों भरना, दो में ही दे दिए। तो फिर एक निकाल के दे देंगे ना? नहीं तो मेरे को चाहिए ना खट्टा यहाँ पे, और तो इधर को खुदाई की है मम्मी ने पहले कॉर्नर से, और अब जो है इधर को करेंगे। हाँ इधर तक खोद लेते हैं अभी, यहाँ तक क्यों मैं खोद लेती हूँ। चूहे ने ना चूहों ने सारा वो कर दिया, बड़े बड़े आलू जो है वो सारे खराब कर दिए मम्मी बोरे। कहाँ ले जाते होंगे वो? नीचे नीचे छेद किए हुए। अच्छा अच्छा आलू को जमीन में ही खींच लिया चूहे ने। इधर को तो खूब अच्छे अच्छे आलू निकले सुबह, इतने बड़े बड़े और टेस्टी मम्मी ने पहले दिए थे हमें। बहुत अच्छे हैं आलू, साइज भी अच्छा है ना ये तो। ये ठीक है, बीज भी नहीं छोटा बहुत है ना। सुबह तो बड़े बड़े ही निकले थे सारे, ऐसे बड़े बड़े पूर भरी ऐसे भी नहीं थे। आधा किलो का ये ऐसे लग जा दो से ही बोल कर मटो ऐसे ऐसे भी नहीं थे। मैं कहां खोद रही हूं मैं, ये देखो ऐसे ने मैंने भी बोली कितने बड़े बड़े हैं। इसको
ऊपर ही आए हुए हैं नीचे थोड़ी होते ज्यादा ही मेहनत कर सामने पूरे आलू यार खुद भी इधर होंगी दूर हो जा की होंगी पुरसा पुरसा तू माटे यार मम्मी करो गई मैं बोले बोले मम्मी ये देखो यहाँ दिखाओ ना ये देखो गाइस आलू मेरी मम्मी के आलू है अच्छा इसमें लगे होते हैं बस वही है अब मैं करूँ वेस्ट वेस्ट कहाँ किया मैंने यार क्या मतलब है आपका मम्मी ये तो फेंकी ना पास पहले यहाँ फेंकी एक जगह यार कितना अच्छा कीड़ा कीड़े तो होते इसमें तो क्या करना मेरे को कीड़ों से बहुत सख्त एलर्जी है सख्त तो चलो ये तो पूर्व को सो कर ये तो फेंकना ही ना क्या फेंका तू की दरी पर जो फेंका यहाँ भी इधर को टाइम हो चुका है 6:30 का और मैं हो गई हूँ रेडी चाय पी है मैंने अभी अभी ये रहे मम्मी और ये रहा मेरा बैग हो गया पैक आते कब आते कब जाते कुछ हाँ और तो नहीं रह गया कुछ ये देखो कुंडे लाए हुए छोटे लोग तो बीच लाए मैंने चप्पल यहाँ से जान दे यहाँ से कुंडे लाए अंदर हाँ चलो मैं लगा के निकलती हूँ बस तो अब मैं जा रही हूँ जी क्योंकि बस हो गया मम्मी के आलू जो है वो निकलवा लिए हैं वैसे तो बहुत सारे हैं अभी लेकिन हमने थोड़े ही निकलवाए हैं और खाना मैंने मम्मी के लिए बना लिया है सब्जी बना के रख दी है बस मम्मी रोटी बनाएंगे एक तो गैस ख़त्म हुई है ना बस उसके चक्कर में कल आ जाएगी यहाँ पर गाड़ी और पापा आ रहे हैं मुझे छोड़ने तो चलो अब निकलते हैं और यहाँ से भी मैंने इतने सारे प्लांट्स ले लिए हैं ना बहुत प्यारे प्यारे से और मैंने एक नया प्लांट भी लिया है स्ट्रॉबेरी का प्लांट लेके जा रही हूँ यहाँ से और वो लगाऊँगी मैं आगे तो जी अभी जो है टाइम शाम का हो गया है 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं पहुंच गई थी कल मतलब संडे रात को मैं पहुंच गई थी 7:30 बजे फिर पापा यहाँ पर नहीं रुके पापा निकल गए थे पापा बस ऊपर से पापा ने हमें मतलब ऊपर तक छोड़ा और चाय भी नहीं पी वो निकल गए क्योंकि वहाँ थे मम्मी अकेले और उसके बाद फिर मैंने अपना काम किया ड्रेस वगैरह का सारा सब कुछ किया और आज मंडे है मंडे लावण्या जो है चली गई है स्कूल चली गई थी स्कूल से आ गई है अभी चली गई है ट्यूशन तो 6:30 का टाइम हो रहा है बस आने वाली है किसी भी वक्त आ सकती है तो आज पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया फिर जब मैं एडिट कर रही थी अभी मुझे ध्यान आया कि ना मैंने वीडियो का एंड किया और वीडियो जो है आधी अधूरी मैंने वहीं छोड़ दी थी उसके बाद मैं और पापा बातें करते करते आ गए दिमाग से ही निकल गया ऐसा मेरे साथ कई बार होता है और फिर हम लोग बात कर रहे थे बात करते करते हम लोग पहुंच गए यहाँ यहाँ तो आते ही आपको पता है सब्जी तो मैं वहीं से लेकर आई थी मम्मी ने बोल दिया था कि यहीं से ले जा जो बना रखी है भिंडी की सब्जी तो वो तो मैं वहीं से लेकर आ गई थी बस यहाँ पर आके मैंने चपातियाँ लगाई आटा गूंदा चपातियाँ लगाई और बाकी सब काम किए और जल्दी ही सो गई थी पता नहीं क्यों थकावट सी हो रखी थी होता ही है जब वैसे कहीं जाते हैं ना क्योंकि पहले दिन जब मैं मम्मी के पास गई थी ना सैटरडे को तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह धो के सारा कुछ काम करके झाड़ू पोछा करके गई थी तो यहीं से मैं थक गई थी और वहाँ तो फिर ऊपर नीचे चलना पड़ता है और फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत वो हुई कि हर सामान के लिए किचन ऊपर था और खाना नीचे बनाना पड़ा तो ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई थी तो फिर कल मैंने वीडियो नहीं वो किया जैसे ही आए खाना वगैरह खाया और थोड़ा सा लावण्या का होमवर्क था वो सब करवाया उसके बाद
हम लोग सो गए, तो आज भी मेरा काम हो चुका है सारा और बस मैं लावण्या का वेट कर रही हूँ। वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने कहा चलो एंड कर देती हूँ वीडियो का। तो ये था मेरा वीडियो मायके का एक दिन, जो कि बहुत ही अच्छा था और वहाँ पर किन्नर लोग आए थे जो अपना आशीर्वाद दे के गए, बहुत अच्छा लगा और उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छे थे और इनकी दुआएं जो है ऐसा कहते हैं लेनी चाहिए। वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।